धरना प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। नमस्कार, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी की नगर पालिका के सामने हैं और यह पिलानी नगर पालिका के सामने लोग धरने पर बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं पिलानी नगर पालिका के सामने, क्यों आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम पानी के लिए परेशान हैं, हम पानी के लिए प्यास मर रहे हैं, हमारी पानी की सुविधा करो। कौन से वार्ड से हैं? 34 नंबर वार्ड से हैं। हाँ, पानी नहीं आ रहा। सब हम तो 3 साल की टैंकर की सब परेशान हो रहे हैं, हम तो टैंकर के ला रहे हैं 500 रुपया देकर हम। और हमारे 500 की फुर्सत नहीं है, हमारे को दमई फुर्सत नहीं है। 300 दिन तो लॉकडाउन लगता है, घर चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। जो पानी कहाँ से गिरवाए, जो बहुत दुख पा रहे हैं हम पानी के लिए, हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। सुंदरता मांगे, सुंदरता करे कहाँ से बिना पानी के लिए। सौंदर्यकरण का बजट पिलानी को दिया लेकिन पानी नहीं दिया गया। दिया, पानी के लिए परेशान हमें, पानी नहीं है हमारे पास। हाँ, काम चला रहे हो? टैंकर डालते हैं, टैंकर गिरवाते हैं, गरीब आदमी। हाँ, गरीब टैंकर गला पेट पाले हैं। गरीब आदमी हम कहाँ से आएंगे? राशन भी उन्हें नहीं मिलता, हमारे को राशन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। 34 है सारी। हाँ, 34 है हम, हमारे पानी नहीं आता है। 500 रुपया देकर पानी कहाँ से गिराएंगे तुम? तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो पानी चाहिए पहले। 300 दिन तो लॉकडाउन लग गया। हाँ, मजदूरी कहाँ से आएगी? थे एक अंदर भी गया, वाटर वर्क्स में भी गए क्या आप? हाँ, कल गया वाटर वर्क्स का मायने, कोई सुनाई नहीं करी पानी के लिए गया सर, कोई नहीं सुनाई हुई। हाँ, 34 है हमें। तो पिलानी की जनता पानी के लिए तरस रही है लेकिन बड़े बड़े आश्वासन मिल जाते हैं और इनको पानी नहीं मिलता है। लेकिन राजकुमार जी हैं इस धरने को अगुवाई कर रहे हैं, इस धरने की। आप पहले भी पानी का आंदोलन कर चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से आपको आश्वासन दिया गया था कि पानी पहुंचा दिया जाएगा, पानी आपको मिल जाएगा, क्या हुआ उसका? सबसे पहले तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी बातों को रखते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धरना प्रदर्शन और हमारी मांगों को लेकर काफ़ी बार इस प्रशासन के सामने और इस सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने काफ़ी बार बात रख चुके हैं। केवल यहाँ आश्वासन मिलता है और इसके अलावा हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता है। पिछले दिनों से आपने पूरी हमारी कवरेज की थी, 11 दिनों तक हम धरने पर रहे, 5 दिन तक हमने भूख हड़ताल भी की, लेकिन वादा ही मिला। उन्होंने कहा था कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपके यहाँ ट्यूबवेल लक्ष्मी कॉलोनी में लगा दिया जाएगा, लेकिन आज वो फर्स्ट वीक नहीं, महीने का लास्ट वीक आ गया फरवरी का, अब भी तक कोई उत्सुक दिखाई नहीं दे रही है। आज इस सरकार की और इन प्रशासन वालों की बड़ी विडंबना है कि सौंदर्यकरण के लिए यहाँ 25 करोड़ रुपए पारित किए जाते हैं और पानी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। पिलानी का कोसों दूर कहीं नाम ही नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पिलानी को पानी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। किन किन मांगों को लेकर आज धरने पर? सबसे पहली और मूलभूत आवश्यकता है पानी, हमारी पहली और प्राथमिकता मांग तो पानी की है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राम जी ओड़ा पूरा अपना जीवन काल इसी राजनीति पर काट दिया कि मैं नहर लेके आऊँगा, लेकिन आज तक कोई नहर नहीं लेके आया। हमारे सांसद संसद जी अलाव भी रही हैं, उन्होंने भी काफ़ी पत्राचार किए लेकिन उनका भी कोई इस मामले में कोई उठाव नहीं रहा। आज हमारे यहाँ नरेंद्र किचड़ भी हैं सांसद, वो भी इस कार्रवाई में लगे हैं लेकिन कहीं इस कार्रवाई के लिए कोई उत्सुक नहीं है। और क्या मांग? हमारी तीसरी मांग, लक्ष्मी कॉलोनी काफ़ी वर्षों से इसी नगर पालिका में वोट देती आई है, राशन कार्ड बने हुए हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इसी नगर पालिका के हैं, किसी राजनीतिक कारणों से या किस कारणों से इस चीज़ का हमें पता नहीं है, पिछली बार परिसमन हुआ इनका नाम इस नगर पालिका से काट दिया गया है। हम चाहते हैं कि इन्हें दोबारा इस नगर पालिका में जोड़ा दिया जाए। तो पिलानी ग्राम पंचायत में जोड़ा, पंचायत में जोड़ा गया है क्या वहाँ से काट कर? ना तो ग्रामीण में है और ना ही शहर में है। एक सबसे मोटी 5वीं समस्या हमारे यहाँ गंदे पानी की निकासी की है। यहाँ काफ़ी वर्षों से सीवरेज आएगी लेकिन आज तक यहाँ नहीं आई है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति यहीं बसते हैं लेकिन यहाँ सीवरेज लाइन के लिए कोई किसी का
मतलब कोई कार्रवाई नहीं करता। मंडावा छोटा सा गांव, शहर मान लो टाउन है, वहां पर वो आ गई है सीवरेज लाइन, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है। तो आवश्यकता युवाओं की है, वो है ग्राउंड की। यहाँ खेल मैदान, देश की आज़ादी के बाद आज तक यहाँ खेल मैदान नहीं है, कि युवाओं के लिए स्थाई एक सार्वजनिक खेल मैदान दिया जाए। हमारे साथ युवा भी हैं और इन्होंने खेल मैदान के लिए पहले भी आंदोलन किया है। इन्हीं से जानेंगे कि आप जब साइकिल रैली करके जयपुर पहुँचे थे, आपको आश्वासन दिया गया था कि जल्द आपको एक खेल मैदान दिया जाएगा, क्या हुआ उसका? जी, हम जयपुर तक गए हैं खेल मैदान की मांग लेकर, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया, कलेक्टर सचिव महोदय ने कलेक्टर जी को आदेश दिए। अब कलेक्टर के पास, बाद में कलेक्टर के पास भी गए हम, कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमने कार्रवाई कर दी है, पर वो कार्रवाई रहती है, बस हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिस पे हम दौड़ सकें। हमें पूछा जा रहा है कि जगह बता दीजिए। अब उनको ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जोड़ हैं, जो भी है वहाँ पे, हमें बस एक जगह दे दें जहाँ पे बस एक ट्रैक बन सके दौड़ने का। जी, तो यही डिमांड है। यहाँ काफ़ी डिमांड है लोगों की, जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है, लेकिन वादा पहले ही कर चुकी हैं। AIDYO के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो भी समर्थन देने के लिए पहुँच गए हैं। इनसे भी जानेंगे कि काफ़ी लंबे समय से पानी की समस्या है और आप लोगों ने संघर्ष भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, पिलानी के अंदर पानी को लेकर के लंबे अरसे से आंदोलन चल रहा है। समय समय पर विभिन्न विभिन्न संगठनों ने जनता की मांग को बुलंद किया है और पानी की मांग को लेकर के अपनी जो आक्रोश है वो जताया है सरकार के सामने। सरकार, जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि बजट में पिलानी को इस बार कुछ मिल जाएगा, पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, इस बजट में जो घोषणा हुई है वो सौंदर्य के नाम से जिसमें रखा गया है, इसमें पानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिलानी की जनता को सौंदर्यीकरण बाद में, पानी पहले चाहिए, समझ रहे हैं? सौंदर्यीकरण बिना पानी के, बिना इंसान के जीवन के सौंदर्यीकरण का क्या मायना है? इंसान का जीवन है तभी तो सौंदर्यीकरण है, जब जीवन ही नहीं होगा तो सौंदर्यीकरण का क्या मायना है? इसको लेकर के हमारा संगठन इस आंदोलन के समर्थन करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि पानी के लिए बजट की घोषणा की जाए जल्द से जल्द। तो ये तमाम जो संगठन है पिलानी के अंदर, वो सब लोग इस धरने के समर्थन में आ गए हैं और पानी की जो प्रथम मांग है पिलानी में, सौंदर्यीकरण के नाम से जो बजट पास हुआ है, उसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि पानी पहले चाहिए, प्राथमिकता है पानी की, सौंदर्यीकरण उसके बाद में है। और ये विकराल समस्या है पिलानी में कि सही में ही अभी इस वक्त जो है पानी की समस्या है, उससे निजात दिलानी थी, ना कि सौंदर्यीकरण से। सौंदर्यीकरण एक अपनी प्रक्रिया है, उसमें होता रहता है, लेकिन जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है, वो पानी की है। लोग पानी की लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो है कि सुनता नहीं है। वादे जरूर बार बार विधायक से लेकर सांसद महोदय से लेकर मुख्यमंत्री तक करते रहते हैं, लेकिन वो वादे खोखले नजर आते हैं। मैं कैमरामैन प्रशांत के साथ द इंक न्यूज़ पिलानी।